देखिए, देवस्थानम को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम देवस्थानम में जितने भी हमारे पुरोहित हैं, जितने वहाँ के वो रावल हैं, हककूकधारी हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं या उस क्षेत्र के आने वाले हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी लोगों से बात करने के लिए हमने बहुत वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद रहे हैं जिनका पूरा जीवन उसी क्षेत्र में रहा है, और बद्रीनाथ और उस क्षेत्र के वो स्वयं भी पंडा समाज से और उस समाज से आते हैं, और चूंकि वो आज ऐसी अवस्था में हैं कि उनको इन सब क्षेत्रों के सभी लोगों की जानकारी भी है, उनकी समस्याओं की भी जानकारी है और किस प्रकार से लोगों को जो परेशानियां हुई हैं अगर कहीं पर उसके बारे में भी वो जानते हैं, इसलिए सबको सुनने के लिए हम लोगों ने उनको हाई पावर कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, और लोग उनको बताएंगे, वो लोगों की बात सुनेंगे, उसके बाद सरकार उस पर निर्णय करेगी। मनोहर कांत ध्यानी जी को बनाया है, और आप सबको पता ही है कि वो राज्यसभा के हमारे सांसद भी रहे हैं, पूरे पुराने नेता हैं, तो सब कुछ वो जानते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में कांग्रेस द्वारा लाए गए निजी विधेयक गिर गए हैं। बताते चले, विपक्ष के रूप में कांग्रेस द्वारा भू कानून और उत्तराखंड में स्थित चार धामों से जुड़े देवस्थानम बोर्ड संबंधित निजी बिल को पेश करने की तैयारी की गई थी, मगर सरकार के रूप में सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष का ये प्रयास सफल नहीं हो सका। सदन में बिल लेकर आने वाले विधायक मनोज रावत ने कहा कि सत्ता पक्ष अपने अभिमान में है, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार दोनों ही मामलों पर गंभीर है। कमेटी बना दी गई है जो जल्द ही अपना फैसला लेगी। देखिए, गिरना तो मैंने पहले भी कहा कि संख्या बल पर निर्भर करता है, लेकिन इस कानून को जब ये कैबिनेट में आया था उस दिन से लेकर के इसको पास होने के बाद 21 महीनों से लगातार हमारे ब्राह्मण तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित अपने खून से पत्र लिख रहे हैं। लोगों के साफ साफ मांग है कि ये जो चारधाम देवस्थानम विधेयक जो एक्ट कानून बन गया है, इसको निरस्त होना चाहिए, इसका निरसन होना चाहिए। आज हम इसी उद्देश्य से हमारे साथी विधायक हरीश धामी जी सदन में इस निरसन विधेयक को लाए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें आशा थी कि नेता सदन के रूप में वो इन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से जुड़े हुए 51 मंदिरों और चार धामों के ब्राह्मणों की, तीर्थ पुरोहितों की, हक हकूकधारियों की आवाज़ को सुनेंगे, लेकिन उन्होंने एक कोरा आश्वासन एक उच्च स्तरीय समिति का दिया है, और मेरा ये मानना है कि इस विधानसभा का ये लगभग अंतिम कार्यकाल है, तो कब वो समिति बैठेगी, क्योंकि ये कानून के संबंध में जो भी निर्णय होना विधानसभा के भीतर होना है, इसमें कोई भी अधिकारी या कोई भी समिति, हाई पावर चाहे कितनी भी हाई पावर कमेटी हो, वो कुछ भी निर्णय नहीं कर सकती, वो सिर्फ सुझाव दे सकती है। तो मुझे ये लगता है कि चला चली की बेला में सरकार और माननीय मुख्यमंत्री इन चारों धामों के पर्वतीय क्षेत्र के जो मंदिरों के चारों धामों के ब्राह्मण हैं, हक हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनको झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल एंक्स न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।